Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution Channel. Friends, बात करने वाले हैं आज हम Python के बारे में. तो Python पर हम किस प्रकार से जो है pattern बनाए, pattern क्या बल्कि हम loop के बारे में सीखेंगे पहले कि loop को हम कैसे use करते हैं, कैसे string में use करते हैं loop को, कैसे जो है single way में use करते हैं. तो हर एक तरीके से देखेंगे और जानेंगे कि loop को कैसे use करते हैं. तो चलिए start करता हूँ इस video को. सबसे पहले हमें Python का जो एडिटर है उसको ओपन करना है. मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे पाइथन का एडिटर, और ओपन करने के बाद हमें इस पर कोडिंग करनी है. ये ओपन हो रहा है, देखिए ये ओपन हो चुका है. अब इस पर हमें कोडिंग करनी है. तो कैसे कोडिंग करें कि अब तो पहले पहला जो लूप होता है फॉर लूप होता है, तो कैसे यूज करेंगे. यहाँ पे लिखेंगे फॉर, देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे. और देखिए लूप चलाने के लिए कोई हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. तो जैसे मान लीजिए कि मैं आई बना लूं या ए बना लूं, कोई भी वेरिएबल हम ले लेंगे. जैसे मैंने ए ले लिया, ठीक है, और फिर यहाँ लिखेंगे इन, और उसके बाद यहाँ रेंज देंगे. रेंज, रेंज एक फंक्शन है, तो ये रेंज दे देंगे हम. और यहाँ पर जो है स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे आप, पैरेंथेसिस बनाएंगे, और जैसे जहां तक की श्रृंखला आपको प्रिंट करानी है वो नंबर देंगे. जैसे मान लीजिए हमें प्रिंट कराना है 1 से लेकर 21 तक, ठीक है, तो इसको हमने दे दिया. और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा, यहाँ कोलन लगाता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है, और इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमें लिखना है प्रिंट, और कौन सा वेरिएबल हमने लिया है उसका नाम, ठीक है. तो यहाँ पर लिखूंगा ए, ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर कोलन जैसे ही यहाँ पर इंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ देखिए अभी कुछ हो नहीं रहा है. तो ऊपर यहाँ पर आते हैं और यहाँ कोलन लगाते हैं और इंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ देखिए सिंटैक्स एरर आ रहा है. तो एक बार इसको देखते हैं कहाँ गलती हो रही है हमसे. यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फॉर, ठीक है, फॉर लूप लगा लिया हमने. अब क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे ए, ठीक है, फिर गैप देंगे, और यहाँ पे लिखना है हमें इन, ठीक है. अब यहाँ पे रेंज लिखना है आर ए एन जी ई, तो रेंज तो लिख ही लिए थे हम. और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1, ठीक है, 1 लिखा हमने, और कॉमा देंगे और लिखेंगे 11, तो 11 लिख दिया हमने. अब इसको बंद करिए और यहाँ पर लगाइए कोलन, कोलन लगा दिया हमने. जब नीचे आइएगा तो फिर अब इसको प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे लिखिए प्रिंट, क्यू आर आई एन टी प्रिंट, और पैरेंथेसिस के अंदर लिख दीजिए ए, ठीक है, और इंटर प्रेस करता हूँ. तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो श्रृंखला है हमारी वो प्रिंट होकर आ रही है, आप देख सकते हैं इस चीज को. अब बात करेंगे थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि हम इनके बीच में, जैसे हम ये नहीं चाहते कि ये लाइन से प्रिंट हो. जैसे हमने क्या किया है, यहाँ लिखा है 1 to 11, ठीक है, ये जहां तक चाहे वहां तक प्रिंट कर. जैसे यहाँ पे लिखा हमने फॉर, ठीक है, और वेरिएबल तो वही है हमारा ए, ठीक है, इन. अब ये रेंज फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे रेंज, और यहाँ पे रेंज दे दिया 1 से लेकर 41 तक, ठीक है. तो ये जो प्रिंट होगा ना, ये पूरा 41 तक प्रिंट होगा. देखिए जैसे इंटर करता हूं, ठीक है, और यहां पे लिखूंगा प्रिंट ए, इसको प्रिंट कराने के लिए, ठीक है, और इंटर जैसे ही प्रेस करता हूं, तो ये देखिए 40 तक प्रिंट हो रहा है. मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू प्रिंट हो रही है. आप ध्यान दीजिए, केयर कीजिए कि मतलब शुरू हो रहा है और 41 लिखा है मैंने, तो 40 तक ही प्रिंट हो रही है. मतलब 1 से लेके 40 तक, इसका मतलब क्या है, 1 से लेके 41 दिया था मैंने. यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं 41 दिया, तो 41 को नहीं प्रिंट कर रहा है. अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे आते हैं और एक और देखते हैं, ठीक है, मैं इससे एग्जिट हो जाता हूँ और फिर इसको दोबारा से ओपन कर लेता हूँ एक बार. पाइथन PYTHON, ठीक है, ये पाइथन ओपन हो गया हमारा, सॉरी PYTHON, ये हमने ओपन कर लिया. अब देखिए यहां पर फिर मैं आपको समझाता हूं कैसे क्या करना है. जैसे पहला जो लूप है हमारा, लूप कई प्रकार के हैं पाइथन में, फॉर भी है, वाइल भी है. जैसे सी और सी प्लस प्लस में बात करते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि कितने लूप होते हैं. पहले हम फॉर लूप का हम सिंटेक्स देख रहे हैं. तो इसको तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ फॉर लिखा हमने, और लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल कोई भी आप बना लीजिए. जैसे मैंने यहाँ वाई बना दिया, ठीक है, अब यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ई इन रेंज, आर ए एन जी ई, इन रेंज लिख दिया हमने. और इसके बाद यहाँ पर अब देखिए, अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ. जैसे 1 लिखा,
फिर यहां लिखा 7, ठीक है 7 लिखा, और यहां पर लिखा 3। तो देखिए, बल्कि यहां 7 ना लिख करके मैं क्या लिखता हूं, 27 लिखता हूं, ठीक है, और यहां पे लिखूंगा 3, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है और यहां पर कोलन लगाया है, ठीक है। अब यहां पर हमें y की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो यहां लिखूंगा प्रिंट, ठीक है, और यहां लिख दूंगा y, ओके। और यहां पर y लिखने के बाद यहां पे कुछ लगाना नहीं है आपको, कोलन नहीं लगाना है, ये गलती पहली बार मुझसे हुई थी। एंटर करेंगे और एक बार और एंटर दबाइएगा, तो ये देखिए तीन तीन के गैप पे प्रिंट हो रहे हैं, ये 1 2 3 4, तो एक के बाद चार, दो दो का गैप, तीन तीन का गैप हो गया है, 2 3 4, 1 2 3 4, यानी एक और चार के बीच में तीन का गैप है, दो का गैप है बीच में, तो तीन देंगे तो दो का गैप आएगा। अच्छा चलिए अब एक बार फिर देखते हैं, फॉर लूप लगाते हैं हम, ठीक है। और यहां पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं बना लेता हूं एक वेरिएबल टी, ठीक है, और यहां पे लिखूंगा इन, ठीक है, और रेंज, ये रेंज तो देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहां पे क्या देता हूं, 2, 43, ठीक है, यानी 2 से लेकर 42 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। और यहां पर कोलन लगाएंगे हम, और यहां पे इसको अब प्रिंट कराने की बारी है, तो प्रिंट करेंगे, और प्रिंट कराते समय हमें क्या देना है, यहां पे देना है वो वेरिएबल का नाम, जो वेरिएबल को हम प्रिंट कराना चाहते हैं, जिसकी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं उसका नाम देंगे, और इंटर प्रेस करते ही देखिए 42 तक ये प्रिंट हो रहा है। मैंने कहां तक दिया हुआ है आप देख सकते हैं, यहां पे मैंने यहां 43 लिखा है, तो 2 से तो स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन 42 तक ही जा रहा है, यानी 43 तक हमने दिया है लेकिन 42 तक जा रहा है ये, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अब इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं हम, तो अब हमें स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है, ठीक है, स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है, तो हम यहां कोई स्ट्रिंग बना सकते हैं। जैसे मैं बना लेता हूं एक स्ट्रिंग ब्लॉक, BLOCK ब्लॉक, ठीक है, ये खाली ब्लॉक है, खाली डब्बा है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। और इसको लिखने के बाद हमें क्या करना है, इज इक्वल टू का निशान बनाना है, इज इक्वल टू, ठीक है। और यहां पर अब जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो लगाइएगा, ठीक है, चूंकि हम स्ट्रिंग को प्रिंट करा रहे हैं, तो यहां पे जैसे मैं लिखता हूं SURAJ, ठीक है, ये चूंकि हम नेम प्रिंट कराना चाहते हैं, कैरेक्टर्स प्रिंट कराना चाहते हैं, नेम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो ये कॉमा देंगे, सॉरी यहां पर कॉमा दे देता हूं। अब जैसे यहां पे अंबिका लिखेंगे, अंबिका, तो ये एक अंबिका नाम प्रिंट कराएंगे, तो यहां पे पैरेंथेसिस होना बहुत जरूरी है, तो यहां डबल इनवर्टेड कॉमा लगा दिया हमने, और यहां लिखता हूं अंबिका, ठीक है। तो ये अंबिका लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, कॉमा देना है, और फिर अब लिखना है शालिनी, जैसे मान लीजिए शालिनी, ठीक है, तो ये लिख दिया हमने, तो ये ध्यान रहे कि ये डबल इनवर्टेड कॉमा छूटेगा तो सब कुछ हो जाएगा गड़बड़, तो हमें ये डबल इनवर्टेड कॉमा नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो यहां लिखूंगा SHALINI, ठीक है, ये लिख दिया हमने। इसके बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको आपको करना है बंद, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट को बंद करने के बाद आपको क्या करना है, एंटर करना है, ठीक है, और यहां लगाना है फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप लगा दिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब यहां पर जो आपने वेरिएबल जो बनाया है, ठीक है, या जो वेरिएबल आप बनाएंगे, ठीक है, उसके बारे में बात करनी है। और यहां पे जैसे मान लीजिए मैंने बना लिया यू, ठीक है, अब यू इज, ठीक है, क्या है, ब्लॉक, BLOCK ब्लॉक ही तो बनाया था हमने, तो ब्लॉक लिख दिया और यहां पर कोलन लगाया, ठीक है। और कोलन लगाने के बाद क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कोलन लगाने के बाद हमें करना है एंटर, ठीक है, सिंटेक्स एरर आ गया, इज नहीं बल्कि इन होगा, यहां पे देखिए गलती हो रही है, तो फॉर यू, ठीक है, इन ब्लॉक BLOCK, ठीक है, और यहां लगाइए कोलन और एंटर प्रेस कीजिए, तो जैसे एंटर प्रेस करते हैं कर्सर नीचे आ जाता है, और यहां पर अब प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट
अब क्या लिया है हमने, यू लिया है, तो यू की वैल्यू को प्रिंट करा दीजिए यहाँ पे और इंटर प्रेस करिए और एक बार और इंटर प्रेस कीजिए। तो हमने तीन नाम लिए थे यहाँ पे, आप देख सकते हैं सूरज, अंबिका और शालिनी, तो ये तीनों प्रिंट होकर आ रहा है। आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी आपको। और इसके बाद जो है हमें अगला देखना है कि हम किस तरह से स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं इसमें, तो स्ट्रिंग को प्रिंट कराने की बारी है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ब्लॉक, BLOCK, ब्लॉक लिख दिया हमने, और फिर इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे SURAJ। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है लगाना है फॉर लूप, ठीक है। इंटर करने के बाद हमें क्या लगाना है, फॉर लूप लगाना है। तो इंटर करता हूं और यहां लगाता हूं फॉर, ठीक है। और फॉर लूप लगाते समय, ठीक है, फॉर लूप लगाते समय कोई भी वेरिएबल आप चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने टी चूज कर लिया, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे इन, ठीक है। और चूंकि हमने क्या लिया था, ब्लॉक लिया था, तो BLOCK ब्लॉक, ठीक है, और कोलन लगा दीजिए और इंटर प्रेस कीजिए और यहां प्रिंट कराइए। प्रिंट वेरिएबल कौन सा लिया है हमने, टी, तो टी की वैल्यू को यहां पे प्रिंट करा दीजिए, इंटर प्रेस कीजिए, एक बार और करिए। तो यहां पे देखिए ये लाइन से प्रिंट होकर आ रही है SURAJ। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। और लूप कितने प्रकार के होते हैं, एक लूप का प्रकार तो आपने देख लिया कि फॉर लूप को कैसे यूज करते हैं, और लूप कितने प्रकार के होते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर चर्चा करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।